मैंने जब पहली बार इसका नाम रीड किया था, मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से बोल दिया था कनवाल आफ्ताब। फिर आप लोग ने मुझे कमेंट्स में बताया कि कनवाल नहीं होता, कवल होता है। आप लोग ने ये भी बताया कि शी हैज़ मोर देन 8 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक, तो शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टिकटॉक स्टार्स इन पाकिस्तान। एंड एक और इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है कि शी इज़ डेटिंग जुलकर नैन। फिर एक और बंदा आके कमेंट करता है कि सिर्फ डेटिंग नहीं, दे आर एंगेज्ड। फिर एक और बंदा आके बोलता है नो, सिर्फ एंगेज भी नहीं, उनकी शादी भी हो चुकी है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि इनके बीच में क्या चल रहा है, एंड अभी देखते हैं कि इसके टिकटॉक वीडियोस कैसे हैं। आई एम होपिंग कि बहुत अच्छा होगा क्योंकि इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मतलब कुछ तो खास बात होगी। लेट्स चेक इट आउट। कंट्रोल राज, कंट्रोल। नहीं तो जुलकर ने ना के मुझे मारेगा यार। ये ब्लैक ड्रेसेस में क्या मैजिक होता है, लाइक हर लड़की एटलीस्ट डबल ट्रिपल ब्यूटीफुल लगने लगती है। आप लोग को नहीं लगता क्या जुलकर नैन कोई बॉलीवुड मूवी में रोमांटिक हीरो बन सकता? क्या स्माइल है उसका। औरत को कम अकल कहने वाले मर्द उसकी चंद अदाओं पे ही अपनी अकल खो देते हैं। सारा दिन इंतजार रहता है कि रात को बात होगी मुर्शिद, और रात को मैसेज आता है सो जाओ सुबह बात होगी। यार मेरे अब्बू को तुम बहुत पसंद आ गई हो। हे वाकी, लेकिन अंकल को बोलो कि मुझे भूल जाए, शादी मैं तुमसे ही करूंगी। लेकिन ये पंजाबी मुंडा ट्री के ऊपर क्या कर रहा है ना? मोटी ताजी खाती पीती अच्छी लगती है, वरना हड्डियों के ढांचे तो जयपुर में भी होते हैं, कब्रिस्तान में भी होते हैं। आ गया जो करने वाला। अच्छा वो एरियल का वर्क फ्रॉम शेयर कर लो। यार क्यूट है यार दोनों साथ में। मैंने नोटिस किया इसने ज्यादातर ट्रेडिशनल क्लोज पहने हुए, सूट होता है इसको। मैंने बहुत ही गलत टाइमिंग पे बोला, अभी इमीडिएटली नेक्स्ट टिकटॉक में शी इज वेयरिंग अ वेस्टर्न ड्रेस, ये भी सूट हो रहा है इसको। गगन गगन, छत्तीस लड़कियां रोज ब्लॉक करती हैं मुझे, आप भी करो 37 हो जाएंगी। एटीट्यूड में क्यों चल के जा रहा है इतना फ्लॉप रिकॉर्ड बोल के। यार सच्ची में दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सूट होता है। मैं हवा में परियां दे वांगी उठती, मैनू जिस दिन करती तू हां चन वे। चल घर चले मेरे हम। सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि दोनों एक्चुअल कपल है, ऐसे एक्टिंग नहीं कर रहा। ऑथेंटिक लगता है इसमें। दोस्तों इंसान की मौत के तीसरे दिन उसके नाखून गिरने लगते हैं, चौथे दिन उसके बाल झड़ने लगते हैं, पांचवें दिन उसका दिमाग पिघलना शुरू हो जाता है, साइंस लेसन मिल रहा है, छठे दिन उसका पेट पिघलकर उसके मुंह और अजाय मखसूसा से बाहर आ जाता है, और 2 महीनों में कुछ नहीं रहता सिवाय हड्डियों के। तो मुझे समझ नहीं आती कि इतनी अना, इतना गरूर, इतना तकबर, इतनी बुराइयां कहां लेकर जाओगे। अच्छा था।
यार ये लोग कैसे कर लेता है रोड पे डांस सब, मुझे तो मैं तो शर्म से ही मर जाऊंगा। दिस इज पाकिस्तान बेबी, दिस इज पाकिस्तान बेबी। सेलिंग पे गए हो तुम समंदर में, अकेले नहीं गई है ऑब्वियसली जुलकर नैन के साथ। यार ये किधर का है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, पाकिस्तानी होगा शायद। मैं हर बार सरप्राइज क्यों होता हूँ पता नहीं, पाकिस्तान में इतने ब्यूटीफुल लोकेशंस मैंने ऑलरेडी देख लिए। आई एम गेसिंग कि कराची है ये। ड्रेसेस से ये दोनों के अच्छा बलोच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, ये सारे रिश्ते जब टूट जाते हैं तो छूट जाते हैं ना। और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती। नो एक्टिंग अच्छा था इसमें। अभी अभी मैंने नोटिस किया वो आईज से बहुत एक्सप्रेस करती है। अगेन वो मेरा फेवरेट ब्लैक ड्रेस है। इसमें इसका हेयर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जिसमें तेरी सूरत ना। ओके खत्म हो गया। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों कपल नहीं है तो सॉरी मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन कमेंट्स में मुझे लोगों ने बोला कि दे आर डेटिंग स्लैश मैरिड, तो इसलिए मैं वीडियो के थ्रू आउट बोल रहा था। एंड इनके काफ़ी सारे रोमांटिक टिकटॉक वीडियोज थे साथ में, तो आई एम गेसिंग कि आप लोग का इन्फॉर्मेशन राइट ही था, लेकिन अगर नहीं था तो सॉरी। बट या शी इज़ वेरी गुड लुकिंग ऑब्वियसली, एंड शी हैज़ एक्सप्रेसिव आइज, जैसे मैंने वीडियो के बीच में भी बोला। जिनके भी आइज एक्सप्रेसिव होता है उनको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है स्पेशली टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ पर आप यूजुअली सिर्फ लिप सिंकिंग कर रहे हो, तो आपका जो भी एक्टिंग स्किल्स है वो एक्सप्रेशंस के थ्रू दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों को एडवांटेज होता है। तो हर एक्टिंग इज़ गुड, शी लुक्स गुड, बट स्टिल मैं कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहा था। 8 मिलियन फॉलोअर्स, पाकिस्तान में 8 मिलियन फॉलोअर्स होना बहुत बड़ी बात है। इंडिया में तो पॉपुलेशन इतना बड़ा 130 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन पाकिस्तान में इतना बड़ा फॉलोइंग होना, मतलब मैं सोच रहा था कि वो तो ट्रांसफॉर्मेशन करते करते स्लो मोशन भी करेगी और साथ ही साथ वो कुछ तो हेयर फ्लिप करेगी, आई डोंट नो, कुछ तो अलग ही एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन दिस वॉज वेरी सिंपल, और सिंपल ख़राब नहीं होता बिल्कुल। जैसे आप देख सकते हैं जो भी टिकटॉक स्टार्स बहुत ही सिंपल वे में कर रहा है उनको ही सबसे ज़्यादा फॉलोइंग मिल रहा है, क्योंकि इवन जन्नत मिर्जा जो वन ऑफ द बिगेस्ट टिकटॉक स्टार्स है वो भी ऐसे ही सिंपल वीडियोज़ बनाती है, एंड क्लियरली लोगों को सिंपल पसंद है जिसमें नेचुरल लग रहा है। तो दिस वॉज अ ग्रेट वीडियो। अभी सुनते हैं कि आकाश को कैसा लगा वीडियो। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। तो आज मैं बात करता हूँ कंवल आफ्ताब की। मैंने अभी अभी उनके वीडियोस देखे यार, मैंने जब उनको देखा तो बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल है यार, सच कहूँ तो। और एक अच्छी बात है कि उनके साथ वीडियोस में जुलकर नैन है, तो मुझे लगा नहीं कि ये दोनों कपल है, बट मैंने जब राज से कन्फर्म किया कि ये दोनों कपल है क्या, तो राज ने बोला हाँ भाई ये दोनों कपल है। सच कहूँ तो बहुत मतलब बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, और जुलकर नैन के साथ तो हाँ काफ़ी अच्छा लगा देख के। और कंवल आफ्ताब जो ड्रेसिंग स्टाइल है, मतलब उनका जो ट्रेडिशनल वेयर है यार, मुझे मतलब सच कहूँ तो ट्रेडिशनल वेयर में काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ज़्यादातर तो ट्रेडिशनल वेयर ही किया है मतलब। और वो जो बोर्ड
के अंदर वो जो पूरा पानियों के बीच वाला वीडियो भी काफी अच्छा था, और एक वीडियो मुझे और एक अच्छा लगा उनका जो वो सीढ़ियों से उतरते हैं वो वाला वीडियो भी मतलब मुझे काफी अच्छा लगा, और बारी वाला जो छोटा क्लिप है वो तो मुझे बहुत मतलब बहुत और मेरा फेवरेट है वो क्लिप। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेके, बाय।